हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूबी टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास टेन सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह टेक्स्ट बुक है क्लास टेन मैथमेटिक्स तो आज से हम लोग क्लास टेन का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है रिविजन चैप्टर इसका पार्ट वन है और पार्ट वन में एक एक्सरसाइज है आर वन, और इसके बाद पार्ट टू पार्ट टू में एक्सरसाइज होगा आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव डेट मीन्स रिविजन चैप्टर में हमें आर वन से लेकर आर फाइव तक पढ़ना है जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग यहां जो भी चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चंस इनसाइड क्वेश्चंस उसके कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यह टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का जर्नल मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर है टू थाउजेंड ट्वेंटी का है या आपका प्री फाइनल बोर्ड का है या आपका रिविजनरी टेस्ट एग्जामिनेशन का है या टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जर्नल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है स्पेशल एग्जामिनेशन का और यह हाफ एयरली एग्जामिशन का मीन्स हर टाइप के क्वेश्चन पेपर हमारे पास मौजूद है टू थाउजेंड नाइनटीन का कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का है या टू थाउजेंड नाइनटीन का जर्नल मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर है या 2018 का कंपार्टमेंटल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है या टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन पेपर है या 2017 का कंपार्टमेंटल एग्जाम का है क्वेश्चन पेपर या 2017 का क्वेश्चन पेपर है या 2016 का क्वेश्चन पेपर है या 2015 का क्वेश्चन पेपर है दट मीन्स हर तरह के क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन पेपर दिखाया और बाकी सारे साइंस के भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास मौजूद है तो हम लोग जो भी चैप्टर्स को हम लोग करेंगे उसके पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे उसके इनसाइड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और उसके साथ साथ इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वे सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे तो चलिए रिवीजन चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग में जो चैप्टर है उसका नाम है रिवीजन और रिवीजन चैप्टर में से प्लस वन प्लस टू प्लस टू इक्वल टू सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे तो पहला टॉपिक है इसमें प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन क्या होता है अ अ प्रोपोर्शन इज स्टेटमेंट डेट टू रेशियोज आर इक्वल एक प्रोपोर्शन जो होता है एक स्टेटमेंट होता है प्रोपोर्शन क्या होता है एक स्टेटमेंट होता है जिसमें टू रेशियोज आर इक्वल जिसमें दो रेशियो क्या होता है इक्वल होता है ठीक है और इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं और प्रोपोर्शन मीन्स क्वालिटी ऑफ टू रेशियोज प्रोपोर्सन मीन क्या होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेसियो दो रेशियो जब इक्वल होता है सपोज एस टू बी एक ratio है, X is to y या रेशियो है और एक्स इज वाई या दूसरा रेशियो है यह पहला रेशियो और यह दूसरा रेशियो अगर यह दो रेशियो क्या हो जाए इक्वल हो जाए यह दो रेशियो क्या हो जाए इक्वल हो जाए या फर्स्ट रेशियो या सेकेंड रेशियो दोनों अगर इक्वल हो जाए तब इसे क्या बोलेंगे हम लोग प्रोपोर्शन इज अ प्रोपोर्शन ओके डेट मींस ए बी एक्स वाई यह चार क्या है नंबर है ठीक है यह चार नंबर है ओके और इस चार नंबर में से फर्स्ट टू नंबर का रेशियो मींस ए टू बी फर्स्ट टू का रेशियो और फिर लास्ट टू का रेशियो एक्स इज टू वाई अगर यह दोनों रेशियो क्या हो जाए इक्वल हो जाए तब क्या तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलेंगे तो देखिए प्रोपोर्शन दो टाइप का होता है एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखते हैं हम लोग एक्स प्रोपोर्शनल वाई मीन्स एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई और इन्वर्स प्रोपोर्शनल को लिखते हैं, हैं okay? so, है? एक्स इज है, तो दूसरे का वैल्यू भी बढ़ेगा मीन्स वाई का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा वाई का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा देन एक्स का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा बट इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है एक का वैल्यू इंक्रीज होने से दूसरे का वैल्यू डिक्रीज होगा ठीक है अगर एक का वैल्यू अगर डिक्रीज किया जाए तो दूसरे का वैल्यू इंक्रीज होगा That means, अगर वाई का वैल्यू इंक्रीज किया जाए then X का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज इफ वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेज देन एक्स इंक्रीजेज सो ये दोनों में डिफरेंस है तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के रेशियो के बराबर हो जाए देन जब फोर्थ नंबर है ए बी सी डी आर सी टू बी इन प्रोपोर्शन, ठीक है एंड इट इज रिटर्न एज और ये जो प्रोपोर्शन है इसको किस तरह से लिखा जाता है इज टू बी इज टू बी और जो इक्वल टू है इक्वल टू के, के जगह लिखा जाता है डबल इज टू ठीक है इज टू बी डबल इज टू सी इज टू डी मीन्स प्रोपोर्शन को इस सिंबल के सहारे लिखा जाता है ओके तो प्रोपोर्शन को हम लोग डब्ल्यू टू से भी लिख सकते हैं या एस टू बी इक्वल टू से भी लिख सकते हैं ठीक है और एस टू बी को हम लोग डिवाइड भी लिख सकते हैं ए बाई बी सी बाई डी ठीक है या इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं ए इंटू डी ए डी इक्वल टू बी इंटू सी बी सी ओके तो जो यहां ए बी सी डी फोर नंबर्स था तो इस फोर नंबर्स में जो फर्स्ट और लास्ट है जिस मींस जो कोना कोना है यह कोना में ए है इस कोना में डी है तो जो कोना वाला नंबर है इनको बोला जाता है एक्सट्रीम्स क्या बोला जाता है इनको एक्सट्रीम्स बोला जाता है ई एक्स टी ई एम ई एस एक्सट्रीम्स और जो बीच वाले हैं इनको बोला जाता है मीन्स ठीक है बीच वाले को मीन्स और जो दो किनारे वाले हैं उनको कहा जाता है एक्सट्रीम्स तो देखिए यह ए और डी एक्सट्रीम्स है तो यह ए इंटू डी एडी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया और बी सी क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं ए एडी मीन्स डी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इन दोनों का प्रोडक्ट ए और डी का प्रोडक्ट एडी हुआ है डेट मीनस एडी क्या है एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू ए बी सी क्या है या बी सी क्या है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मींस प्रोडक्ट ऑफ मींस तो इस तरह से यह एक फॉर्मूला बन गया आपका सो so, इस फॉर्मूला से हम लोग कोई चार नंबर दिया हुआ है तो वह प्रोपोर्शन में है कि नहीं है इसको हम लोग चेक कर सकते हैं तो इस फॉर्मुला से भी चेक कर सकते हैं या ये जो डिवाइड वाला है इस फॉर्मुला से भी हम लोग चेक कर सकते हैं ओके तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं चेक वेदर ट्वेल्व इज टू ट्वेंटी टू इज फिफ्टी सिक्स आर इन प्रोपोर्शन ये चेक करना है कि यह प्रोपोर्शन में है कि नहीं तो क्या करेंगे हम लोग ट्वेल्व इज टू ट्वेंटी वन इसका रेशियो निकालते हैं ट्वेल्व बाई ट्वेंटी वन तो इसको कैंसिल करिए थ्री फोर जा थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन फोर बाई सेवन आ गया ठीक है फर्स्ट रेसि फोर बाई सेवन आ गया सेकेंड रेसि कितना है थर्टी टू इज टू फिफ्टी सिक्स थर्टी टू बाई फिफ्टी सिक्स कैंसिल करिए इसको सो so, एट से कैंसिल हो जाएगा ना एट फोर जा थर्टी टू एंड एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स आठ चौके बत्तीस आठ सतह छप्पन सो फोर बाय सेवन देखिए फोर बाई सेवन यहाँ भी आ गया फोर बाई सेवन यहाँ भी आ गया मीन्स दोनों रेशियो क्या इक्वल है जब दोनों रेशियो इक्वल है तो क्या बोलेंगे हम लोग यस इट इज आर इन प्रोपोर्शन देअर फोर जब दोनों रेशियो इक्वल आ गया ठीक है ट्वेल्व इज टू ट्वेंटी वन इक्वल टू थर्टी टू इज टू फिफ्टी सिक्स जब फर्स्ट रेशियो और सेकेंड रेशियो दोनों रेशियो इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे हम लोग तब तो हम लोग बोलेंगे ट्वेल्व इज टू ट्वेंटी वन एंड आर आर इन इन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू चेक वेदर टेन ट्वेंटी थर्टी सिक्सटी आर इन प्रोपोर्शन चेक करना है कि यह प्रोपोर्शन में है कि नहीं है तो इसे हम लोग डिवाइड मेथड से चेक कर सकते हैं या जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ठीक है उसे भी चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस चलिए उसी मेथड से चेक करते हैं हम लोग तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स पहले दोनों किनारे का इंटू टेन और सिक्सटी को इंटू करना पड़ेगा टेन इंटू सिक्स कितना हो गया सिक्स हंड्रेड ओके दोनों किनारे वाला मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया अब बीच वाला बीच वाला दो है इसको बोलते हैं मीन्स तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मींस ट्वेंटी इंटू थर्टी ट्वेंटी इंटू थर्टी ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो टू थी सिक्स जीरो जीरो सिक्स हंड्रेड दोनों टू हो गया ट्वेंटी ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस हो जाए तो यह चार नंबर क्या होता है प्रोपोर्शन में होता है ओके okay. इसे अगर आप दूसरा मैसेज तो करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं रेशियो लेकर टेन और ट्वेंटी का रेशियो मीन फर्स्ट फर्स्ट रेशियो टेन ट्वेंटी टेन बाय ट्वेंटी कैंसिल करेंगे टेन वन या टेन टेन टू या ट्वेंटी ठीक है फर्स्ट रेशियो मिल गया फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो आ गया अब थर्ड और फोर्थ नंबर का रेशियो थर्टी सिक्सटी सो थर्टी सिक्सटी

ओके आई होप समझ में आया होगा एक और एग्जाम्पल लेते हैं चेक करना यहाँ में है कि नहीं है तो यहां भी क्या लेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मींस टू इंटू टू फोर्टी फाइव लेंगे फोर हंड्रेड नाइनटी हो गया ठीक है टू और टू फोर्टी फाइव ये दोनों क्या है एक्सट्रीम्स है सो ये दोनों एक्सट्रीम्स है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना हो गया दोनों को मल्टीप्लाई करके हो गया फोर हंड्रेड नाइनटी फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा सेवन इंटू सेवन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फोर नाइन देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं ठीक है टू इंटू टू फोर्टी फाइव इक्वल टू हो रहा है ठीक है देर फोर क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं टू सेवन सेवेंटी टू फोर्टी फाइव आर इन प्रोपोर्सन आई होप समझ आया होगा चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं चेक टू सिक्स सिक्स एट आर इन प्रोपोर्शन यह प्रोपोर्शन में है कि नहीं है तो ठीक है तो हम लोग लेंगे फर्स्ट क्या लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा टू इंटू एट हो जाएगा टू इंटू एट इक्वल टू सिक्सटीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया फिर क्या लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 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 मीन में क्या है सिक्स और सिक्स है तो सिक्स इंटू सिक्स ये हो गया थर्टी सिक्स तो देखिए यह दोनों क्या इक्वल नहीं है सिक्सटीन ये अलग है और थर्टी सिक्स ये अलग है दोनों इक्वल नहीं है मींस टू इंटू एट नॉट इक्वल टू सिक्स इंटू सिक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों इक्वल नहीं होता है तब क्या बोलेंगे यह प्रोपोर्शन में नहीं है देर फोर टू सिक्स सिक्स एट आर नॉट इन प्रोपोर्शन ओके आई होप सम आया होगा आप लोगों को तो चलिए अब देखते हैं कि टेबल को देखकर ये यह हम कैसे पता लगाएंगे कि यह x एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक तो है देखिए हमें x क्या है सुगर इन के जी मीन्स अमाउंट ऑफ सुगर दिया हुआ है के जी में एंड y जो है प्राइस इन रुपीस ठीक है तो यहां दिया हुआ है वन के जी शुगर तो वन के जी शुगर का प्राइस कितना है फोर्टी फोर ठीक है वन से टू हो गया वन के से टू के जी डेट मीन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ऐसा एरो लगाएंगे हम ठीक लगा है यह एरो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है तो अमाउंट ऑफ शुगर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और वन के का दाम था फोर्टी फोर और दो के का दाम कितना हो गया एटी एट तो देखिए यहां अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीज हो रहा है वन के से टू के इंक्रीज हो रहा है और यहाँ फोर्टी फोर से एटी एट यह भी इंक्रीज हो रहा है ठीक है इधर भी इंक्रीज हो रहा है मीन्स एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो वाई का वैल्यू भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो एक्स का वैल्यू इंक्रीज होने से अगर वाई का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीजेज देन द प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेज इफ एक्स इंक्रीजेज देन वाई ऑल्सो इंक्रीजेज एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्या बोलेंगे हम लोग एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई या दूसरा भाषा में बोल सकते हैं एक्स भैरिज डायरेक्टली एज वाई ठीक है अब देखिए इसको लिखे कैसे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हो या एक्स भेरिज डायरेक्टली एज वाई क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का सेंटेंस मिल सकता है तो हम लोग इसको देख के हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई को लिखेंगे हम लोग एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू वाई या एक्स वेर इज डायरेक्टली एज वाई तो ऐसा इस, ही लिखेंगे इस दोनों के लिए हम लोग इस तरह से सिंबल लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्सनल को जब हटाएंगे और यहां पर इजक्ल टू लिखेंगे तो क्या आएगा एक कॉन्स्टेंट आएगा ठीक है वेयर के इज कॉन्स्टेंट वेयर के इज कॉन्स्टेंट ओके अब देखिए या वाई जो है के साथ में इंटू में है इक्वल टू का राइट में है इंटू में है जब इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा इंटू में है तो क्या हो जाएगा जाके डिवाइड हो जाएगा सो एक्स डिवाइड वाई क्या हो गया के अब देखिए एक्स बाई वाई टू के डेट मीन्स हम बोल सकते हैं एक्स वन बाई वाई वन रहेगा वो भी क्या होगा के होगा एक्स वन बाई वाई वन होगा वो भी क्या होगा के होगा उसी प्रकार एक्स टू और वाई टू होगा एक्स टू और वाई टू वो भी क्या होगा के होगा ठीक है तो इस तरह से सब क्या होगा बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं एक्स वन बाई वाई वन भी के है और एक्स टू भी वाई टू भी के है दैट मीन यह दोनों क्या होगा इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं एक्स वन बाई वाई वन एक्स वन बाई वाई वन इक्वल टू एक्स टू बाई वाई टू ओके तो इस तरह से हम लोग केवल दो ही रिलेशन ही ले सकते हैं इस तरह से हम लोग बहुत सारे रिलेशन ले सकते हैं आप लिख सकते हैं इसे एक्स वन बाई वाई वन इक्वल टू एक्स टू बाई वाई टू इक्वल टू एक्स थ्री बाई वाई थ्री इक्वल टू एक्स फोर बाई वाई एक्स फोर बाई वाई फोर इक्वल टू एक्स फाइव बाई वाई फाइव एंड सो वन ठीक है इस तरह से क्या होगा सब क्या होगा सब इक्वल टू क्या होगा क्या होगा इसलिए सारे रेशियो क्या हो गए इक्वल हो गए अब देखिये इस टेबल में एक्स जो है नंबर ऑफ पर्सन है और वाई क्या है नंबर ऑफ डेज तो यहां देख सकते हैं इस टेबल में हम लोग कि नंबर ऑफ पर्सन फाइव है बाद में क्या हो गए नंबर ऑफ पर्सन हंड्रेड हो गए मीन्स नंबर ऑफ पर्सन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है देखिए एरो एरोड में होगा ऐसा इस टाइप से एरो होगा ना मीन्स नंबर ऑफ पर्सन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो एरो क्या होगा फाइव से हंड्रेड की तरफ होगा मीन्स नंबर ऑफ पर्सन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है बट नंबर ऑफ डेज देखिए ट्वेंटी था और ये वन हो गया मीन्स यह डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहा है बट नंबर ऑफ डेट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ये ये इस तरह से हो रहा है इस तरह से बढ़ रहा है है ना था हो हो गया means उल्टा रहा यहाँ फाइव से हंड्रेड इंक्रीज हो रहा है बट यहां में ट्वेंटी सेवन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो देखिए देखिये दोनों एरो क्या हो गया ओपोजिट डायरेक्शन में हो गया इससे क्या बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन यहां में क्या था यहां में यहां देखिए वन के से टू के जी यहां भी इंक्रीज हो रहा है और फोर्टी फोर से एटी एट यहां भी इंक्रीज हो रहा है मीन्स एक्स का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है देन वाई का वैल्यू क्या इंक्रीज हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स डायरेक्टली वेरीज डायरेक्टली और यहां क्या हो रहा है नंबर ऑफ पर्सन फाइव से हंड्रेड हो गया यहाँ इंक्रीज हो रहा है बट नंबर ऑफ डेज मीन्स टाइम ट्वेंटी डेज से वन डे हो गया मीन्स कम हो गया डिक्रीज हो रहा है ठीक है इस तरह से बढ़ रहा है तो जब एक तरफ एक्स एक का वैल्यू इंक्रीज हो और वाई का वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ नंबर ऑफ इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ डेज मीन्स टाइम डिक्रीजेज यहां हम देख रहे हैं हम लोग कि नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहा है बट टाइम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक्स इंक्रीजेज देन वाई डिक्रीजेज एक्स इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y इसको हम बोलेंगे हम लोग x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y और इस इस तरह से बोल सकते हैं x वेरिज इनवर्सली एज y तो ये दोनों जो सेंटेंस लिखा हुआ है एक क्वेश्चन में अगर आ सकता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y या x वेरिज इनवर्सली एज y तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे सिंबल में x इज इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू वाई तो एक्स प्रोपोर्सनल टू और जब इनवर्सली बोल देगा ना तो क्या लिखेंगे इनवर्सली एज वाई का मतलब वन बाई वाई अब देखिए हमें एक्स और प्रोपोर्शनल को हटाकर अगर हमें इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा एक कॉन्स्टेंट आएगा के और ये वन बाई वाई पहले से है कॉन्स्टेंट है, constant है. थीके? तो देखिए x इक्वल टू के इंटू वन के हो गया और डिवाइड में कितना आएगा y अब देखिए यहां डिवाइड में y है और इक्वल टू राइट में है जब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो जो डिवाइड होता है ना इस साइड आएगा क्या हो जाएगा इंटू हो जाता है सो x इंटू वाई एक्स वाई एक्स वाई इक्वल टू के एक्स वाई इक्वल टू के डेट मीन्स अगर हम लोग लिखेंगे एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन तो वो भी क्या होगा के होगा या लिखेंगे हम लोग एक्स टू वाई टू भी क्या होगा के होगा तो एक्स वन वन भी के एक्स टू वाई टू भी के मीन दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू ओके एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू तो इस तरह से केवल हम लोग दो ही नहीं ले सकते हैं बहुत सारा ले सकते हैं यहाँ आपका इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू इक्वल टू एक्स थ्री वाई थ्री इक्वल टू सब क्या होगा डॉट 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 सब क्या होगा के के इक्वल टू होगा ओके okay? तो इस तरह से जो टेबल में दिया रहेगा या एक्स और वाई का वैल्यू एक्स का जो अलग अलग वैल्यू होगा तो इसको एक्स वन बोलेंगे और वाई वाला को वाई वन बोलेंगे इस बगैर दूसरा वैल्यू होगा तो इसको एक्स टू बोलेंगे इसको वाई टू बोलेंगे या तीसरा वैल्यू होगा तो इसको एक्स थ्री बोलेंगे इसको वाई थ्री बोलेंगे चौथा वैल्यू है तो इसको एक्स फोर बोलेंगे इसको वाई फोर बोलेंगे इसी प्रकार एक्स फाइव वाई फाइव एक्स सिक्स वाई सिक्स एक्स सेवन वाई सेवन एक्स एट वाई एट इस तरह से हम लोग अलग अलग वैल्यू को नेम दे सकते हैं तो देखिए, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फाइव पर्सन कैन फिनिश ऑफ वर्क इन ट्वेंटी डेज मीन बीस दिन में एक काम को पूरा करते हैं पांच लोग ठीक है दिन में मान लेते हैं कि काम क्या है एक घर बनाना है ठीक है है एक घर बनाना है, तो बीस दिन में एक घर बनाते हैं कितने लोग पांच लोग मीन्स फाइव पर्सन ठीक है हाउ मेनी पर्सन कैन फिनिश द वर्क इन वन डे तो वही वर्क वही वर्क मीन्स वही जो घर बनाना था एक घर एक घर को बनाना था वही काम को अगर एक दिन में खत्म करना है तो हाउ मेनी पर्सन कितने लोग चाहिए कितने पर्सन चाहिए तो चलिए इससे पहले टेबल बनाते हैं हम लोग सबसे पहले टेबल बनाएंगे हम लोग यहां हो गया x, x को लेंगे हम लोग नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ पर्सनस फिर लेंगे वाई वाई को लेंगे नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज ओके उसके बाद अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं फाइव यहां लिख देंगे फाइव फाइव पर्सन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेंटी डेज नंबर ऑफ पर्सन फाइव तो नंबर ऑफ डेज कितना है ट्वेंटी ओके फिर क्या बोला हाउ मेनी पर्सन यहां पर नहीं दिया हुआ आपको फाइंड करना है हाउ मेनी पर्सन यहाँ फाइंड करना है तो X2 पहले दिया था फाइव पर्सन ट्वेंटी डेज में एक काम को पूरा करते हैं तो कितने पर्सन वन डे में उसी काम को पूरा करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन ने बोला है हाउ मेनी सन कैन फिनिश द वर्क इन वन डे तो हम लोग लेट कर लेते हैं लेट एक्स टू पर्सन लेट एक्स टू पर्सन कैन फिनिश द वर्क इन वन डे क्योंकि यह एक्स वन का वैल्यू है वाई वन का वैल्यू है तो यह क्या होगा एक्स टू का वैल्यू होगा और यह वाई टू का वैल्यू होगा इसलिए हम लोग क्या लिए एक्स टू ले कैन फिनिश द वर्क इन वन डे ओके तो आप देखिए इस टेबल का देख के बताना है कि यह डायरेक्टली प्रोफोशनल होगा ना ओके? Okay? तो देखिए फाइव ट्वेंटी डेज मीनस बीस दिन में एक घर को बना रहे थे पांच आदमी लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं एक ही दिन में पूरा घर कंप्लीट होना चाहिए तो क्या होगा अधिक आदमी चाहिए अधिक आदमी का मतलब जरूर से ज्यादा ही आदमी चाहिए तो क्या हो रहा है देखिए में इंक्रीज हो रहा है बट यहां क्या हो रहा है नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहा है यहां 20 था हो 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 गया यह डिक्रीज रहा रहा है यहां, यहां हो रहा है देखिए इंक्रीज नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहा है और यहां क्या हो रहा है डेज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो जब एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन तो लिखेंगे इट इज इट इज अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन यह क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है तो हम जानते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली का क्या होता है फॉर्मूला डिस डायरेक्टली का फॉर्मूला होता है हम लोग क्या सीखे डायरेक्टली में फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं डिवाइड में मीन्स एक्स वन बाई वाई वन इक्वल टू एक्स टू बाई वाई टू तो डायरेक्टली में हम लोग डिवाइड का फॉर्मूला सीखे ठीक है डी से डायरेक्टली और डी से डिवाइड मीनस डायरेक्ट डायरेक्टली का फॉर्मूला डिवाइड में हम लोग लर्न किए ठीक है ठीके? और इनवर्सली इनवर्सली का फॉर्मूला हम लोग क्या लर्न किए हैं इन टू में एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू I से इनवर्सली और I से into, ठीक है याद रहेगा ना तो इनवर्सली का formula क्या होगा हम लोग सीखे into में और D से डायरेक्टली D से डिवाइड डायरेक्टली का formula हम लोग डिवाइड में सीखे और inversely का formula हम लोग into में सीखे तो यहां इनवर्सली है तो हम लोग कौन सा formula यूज करेंगे हम लोग X1, Y1 का तो X1, Y1 equal to X2, Y2, ठीक है? Here, यहाँ ठीक में देख क्या दिया हुआ है एक्स वन का वैल्यू कितना है एक्स वन का वैल्यू फाइव है और वाई वन का वैल्यू कितना है ट्वेंटी है एक्स वन का वैल्यू फाइव वाई वन का वैल्यू ट्वेंटी एक्स टू का वैल्यू नहीं दिया है और वाई टू का वैल्यू वाई टू का वैल्यू वन है अब यह सारा वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे ठीक है तो क्या मिलेगा एक्स वन का वैल्यू कितना है फाइव वाई वन का वैल्यू कितना है ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी इक्वल टू एक्स टू एक्स टू का वैल्यू नहीं है इंटू वाई टू वैल्यू कितना है वन है ठीक है सो फाइव इंटू ट्वेंटी हो गया हंड्रेड और एक्स टू इंटू वन एक्स टू तो एक्स टू का वैल्यू कितना आ गया हंड्रेड आ गया ठीक है देर x2 एक्स टू का वैल्यू कितना आ गया हमें एक्स टू का वैल्यू आ गया हंड्रेड एक्स टू का वैल्यू हंड्रेड आ गया दैट मींस एक्स टू जो पर्सन था क्या हो जाएगा अब हंड्रेड पर्सन ठीक है देरफोर क्या हो जाएगा देर फोर हंड्रेड परसेंट कैन फिनिश द वर्क इन वन डे तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आई होप समझ में आया होगा दो तीन बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा ठीक है ओके अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आर वन तो चलिए अब एक्सरसाइज आर वन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है ए बी सी डी तो इस टाइप के क्वेश्चन का हमें क्या करना होता है आंसर चूज करके लिखना पड़ता है जो राइट आंसर है उसे लिखना होता है तो यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया भी था तो आप देख सकते हैं एच एस एल सी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दो से बाईस सेशन का तो इस क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्वेश्चन नंबर टू आया हुआ है चूज द करेक्ट आंसर के लिए आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें चुन के बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है ठीक है तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होगा तो वन का आंसर होगा इसमें से चुन के लिखना है ए बी सी डी तो चलिए चेक करते हैं हम लोग ठीक है तो चेक करते हैं ए नंबर ए नंबर क्या है आपका टू ट्वेंटी वन टूल्व इजू ट्वेंटी वन तो ट्वेल्व बाई ट्वेंटी वन कैंसिल करेंगे हम लोग तो थ्री फोर जा टी सेवन जा ट्वेंटी वन तीन चौके बारह तीन सौ इक्कीस फोर वाटा सेवन आ गया दूसरा इसमें क्या है थर्टी टू इजू फिफ्टी सिक्स थर्टी टू इज टू फिफ्टी सिक्स थर्टी टू बाई फिफ्टी सिक्स इसको कैंसिल करते हैं चार अट्ठे बत्तीस नहीं आठ से काटते आठ से आठ चौके बत्तीस और आठ सत्ते छप्पन मींस एट फोर या थर्टी टू एट सेवन या फिफ्टी सिक्स कैंसल हो गया तो देखिए दोनों क्या हो रहा है फोर बाय सेवन फोर बाय सेवन दोनों इक्वल आ रहा है जब दोनों इक्वल आ रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग यस यह प्रोपोर्शन में है तो यहां क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन या चार ऑप्शन में से कौन सा प्रोपोर्शन में है तो ऑप्शन ए ही प्रोपोर्शन में आ गया क्योंकि दोनों रेशियो क्या इक्वल है जब दोनों रेशियो इक्वल है ठीक है फर्स्ट रेशियो और सेकेंड रेशियो दोनों रेशियो इक्वल है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग प्रोपोर्शन में है तो आंसर हो गया वन का आंसर क्या हो गया ए वन का आंसर हो गया ए टू ट्वेंटी एंड थर्टी टू इज टू फिफ्टी सिक्स ये हो गया आपका वन का आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी चेक कर सकते थे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ठीक है क्वेश्चन नंबर टू भी क्या बोला है यह भी सेमी क्वेश्चन है ऑफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इन यह टू में भी वन टू थ्री फोर चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह क्या प्रोपोर्शन में है ठीक है तो टू का आंसर क्या होगा ऑप्शन वन होगा ना टू होगा ना थ्री फोर चलिए चेक करते हैं तो देखिए ऑप्शन वन क्या है ऑप्शन वन में है टू सिक्स सिक्स एट हम लोग चेक करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू इंटू एट टू एट जा सिक्सटीन फिर चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स ये दोनों इक्वल नहीं हुआ दोनों इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब यह प्रोपोर्शन में नहीं है ठीक है तो दूसरा चेक कर सकते हैं हम लोग चलिए ऑप्शन टू चेक कर सकते हैं ऑप्शन टू क्या है आपका टेन ट्वेंटी थर्टी सिक्सटी तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मींस टेन इंटू सिक्स सिक्स हंड्रेड हो गया फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ट्वेंटी इंटू थर्टी कितना हो गया सिक्स हंड्रेड हो गया देखिए दोनों इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों इक्वल हो गया डेट मींस यह क्या है टेन ट्वेंटी थर्टी सिक्सटी क्या है प्रोपोर्शन में है सो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन टू सो so, टू का आंसर हो गया ऑप्शन टू इज द राइट आंसर टेन ट्वेंटी थर्टी सिक्सटी दिस इज द राइट आंसर ओके बाकी आप ऑप्शन थ्री चेक कर सकते हैं ऑप्शन फोर भी चेक कर सकते हैं क्या होगा सेम नहीं मिलेगा आपको सिर्फ ऑप्शन टू में ही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेम मिला इक्वल टू मिला ठीक है इसलिए क्या हो गया ऑप्शन टू इज द राइट आंसर तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन में क्या बोल रहा है थ्री नंबर फिल इन ब्लैंक्स जो खाली जगह उसको भरना है नंबर दिया हुआ है एरिया ऑफ नहीं होगा ट्रैंगल uh. होगा होगा दिया हुआ है अब हमें फिलअप करना है हमें इफ ए इनक्रीजेज देन आर क्या होगा इफ आर डिक्रीजेज क्या होगा तो देखिए एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई कॉन्स्टेंट है और इक्वल टू का साइन है तो अगर हम कॉन्स्टेंट को हटाएंगे और इक्वल टू को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा कॉन्स्टेंट को हटाएंगे और इक्वल टू को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमें प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का स्क्वायर का ठीक है तो यहां से बोल सकते हैं कि अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो क्या होगा एरिया इंक्रीज होगा अगर रेडियस डिक्रीज होगा तो एरिया क्या होगा डिक्रीज होगा तो यहां देखिए क्या बोला है इफ एरिया इंक्रीजेज अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है देन तो आर क्या होगा अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है देन आर भी क्या होगा इंक्रीज होगा ओके नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है इफ आर डिक्रीजेज अगर आर डिक्रीज होगा हो हो देन ए क्या होगा ए भी डिक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टरी प्रोपोर्सनल है इफ आर डिक्रीजेजेज अब देखिए क्वेश्चन थ्री का टू नंबर द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस डी एंड टाइम टी ऑफ ए मूविंग कार एज गि इन द फ्लोइंग टेबल यह टेबल दिया हुआ है टी टाइम का वैल्यू दिया हुआ है एंड डी मीन्स डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको खाली जगह को भरना है जिसमें नंबर वन क्या है टी एंड डी भेरिज तो नंबर वन बताना है कि टी एंड डी भैरिज मीन्स टी और डी में क्या रिलेशन है आपका डायरेक्टली है ना इनवर्सली है तो देखिए टी का वैल्यू वन से टू मीनस इंक्रीज हो रहा है और डी का वैल्यू फोर से एट इंक्रीज हो रहा है मीन्स टी का वैल्यू जब इंक्रीज हो रहा है तो डी का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो जब टी का वैल्यू इंक्रीज होता है इफ टी इंक्रीजेज देन डी इंक्रीजेज टी का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो डी का भी वैल्यू इंक्रीज हो गया तब इसको बोलते हैं हम क्या हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आंसर क्या हो जाएगा टी एन डी वेरिज डायरेक्टली ठीक है क्योंकि एक का वैल्यू बढ़ने से अगर दूसरे का भी वैल्यू बढ़ जाए ठीक है टी का वैल्यू बढ़ने से अगर डी का भी वैल्यू भी बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सो टी डी भेरिज डायरेक्टली आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली का फॉर्मूला क्या होता है टी वन बाई डी वन इक्वल टू टी टू बाई डी टू ठीक है तो यहां देखिए टी वन टी वन का वैल्यू कितना है वन डी वन का वैल्यू कितना है फोर वन बाई फोर टी टू टी टू का वैल्यू कितना है टू डी टू का वैल्यू कितना है एट तो क्या हो गया वन बाई फोर इक्वल टू टू वन जा टू टू फोर जा एट वन बाई फोर देखिए वन बाई फोर इक्वल टू वन बाई फोर ट्रू ठीक है जो डायरेक्टली का जो फॉर्मूला होता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है डेट मीन्स यह जो टेबल है यह क्या है डायरेक्टली वेरिएशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है अब देखिए टू में क्या बोला है इफ टी इक्वल टू सिक्स देन डी इक्वल टू व्हाट तो देखिए यह जो टेबल है यह क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली का फॉर्मूला क्या होता है टी वन बाई डी वन इक्वल टू टी टू बाई डी टू ठीक है तो इस फॉर्मूला को हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं वन का वैल्यू कितना है one, और D1 का कितना है फोर इक्वल टू टी टू देखिए जो वैल्यू दिया रहेगा उसको बोलेंगे और डी टू का वैल्यू डी लेंगे, लेंगे तो टी टू का वैल्यू हो गया सिक्स और डी टू का वैल्यू कितना हो गया डी टू का वैल्यू डी ठीक है टेबल देख लीजिए आप टी वन वन है और डी वन फोर है टी टू सिक्स है डी टू मैंने डी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा डी इन टू वन डी इक्वल टू फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ट्वेंटी फोर ठीक है तो देखिए तीन नंबर क्या बोला क्वेश्चन में इफ डी इक्वल टू एट देन टी इक्वल टू वट तो देखिए यह टेबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली का फॉर्मूला क्या तो होता है हम लोग सीखे हैं डिवाइड में तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला टी वन बाई डी वन इक्वल टू टी टू बाई डी टू ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका टी वन बाई डी वन इक्वल टू टी टू बाई डी टू तो देखिए टी वन का वैल्यू वन है और डी वन का वैल्यू फोर है तो वन बाई फोर हो गया और टी टू डी टू लेंगे जो वैल्यू फाइंड करना है देखिए डी का वैल्यू ट्वेंटी एट है और टी का वैल्यू फाइंड करना मीनस यह क्या है टी टू डी टू का वैल्यू है तो टी टू का वैल्यू टी है डी D का वैल्यू कितना है ट्वेंटी एट अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो फोर इंटू टी फोर्टी इक्वल टू ट्वेंटी एट इंटू वन ट्वेंटी एट तो क्या हो गया टी इक्वल टू ट्वेंटी एट और फोर आके डिवाइड हो गया ठीक है तो फोर सेवन या ट्वेंटी एट तो टी का वैल्यू कितना हो गया सेवन ठीक है तो लिख सकते हैं टी इक्वल टू सेवन आंसर ओके तो फोर सेम होगा देखिए डी का वैल्यू दिया हुआ है थर्टी सिक्स यहां देखिए डी का वैल्यू थर्टी सिक्स और टी का वैल्यू फाइंड करना है ठीक है तो यह टेबल क्या है डायरेक्टली प्रोफोर्सल है तो का डायरेक्टलीफोर्मल डिवाइड में होता है टी वन बाई डी वन इक्वल टू टी टू बाई डी टू ठीक है तो टी वन बाई डी वन टी वन का वन है और डी वन का फोर है सो वन बाई फोर टी टू बाई डी टू तो देखिए टी टू का वैल्यू टी है और डी टू का वैल्यू कितना है थर्टी सिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई फोर इंटू टी फोर टी इक्वल टू थर्टी सिक्स इंटू वन थर्टी सिक्स तो फोर इक्वल टू थर्टी सिक्स और ये फोर जाके डिवाइड हो जाएगा सॉरी टी यहाँ रहेगा टी यहाँ रहेगा और फोर जाके डिवाइड हो जाएगा सो फोर नाइन जो थर्टी सिक्स सो टी का वैल्यू कितना हो गया नाइन सो यहां में आंसर हो गया टी का वैल्यू नाइन ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला है इफ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू मीन्स पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू तो जब डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा डायरेक्टरी का फॉर्मूला डिवाइड में होता है सो पी वन बाई क्यू वन इक्वल टू पी टू बाई क्यू टू यह फॉर्मूला हो जाएगा अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्वेश्चन में पी वन का वैल्यू कितना दिया देखिए पी वन का वैल्यू सिक्स है और क्यू वन का वैल्यू कितना है थर्टी है पहला जो वैल्यू होगा वो पी वन क्यू वन होगा और दूसरा जो वैल्यू होगा वो पी टू क्यू टू होगा तो पी टू का वैल्यू टू है और Q2 का वैल्यू Q है ठीक है तो यहां से हम लोग क्रॉस में ट्राई करेंगे क्या हो जाएगा सिक्स इंटू क्यू सिक्स क्यू इक्वल टू थर्टी इंटू टू सिक्सटी तो Q इक्वल टू सिक्सटी और ये सिक्स जाके डिवाइड हो जाएगा तो सिक्स टेन या सिक्सटी छह साठ तो Q का वैल्यू कितना आ गया Q का वैल्यू टेन आ गया ठीक है Q का वैल्यू कितना आ गया टेन सो दिस इज आवर आंसर तो देखिए हमें चार ऑप्शन दिया था वन नंबर ट्वेल्व टू नंबर ट्वेंटी थ्री नंबर टेन फोर नंबर फिफ्टीन यह चार ऑप्शन में से चुन के लिखना था आंसर तो इसका आंसर क्या हो गया टेन तो आंसर होगा फोर का आंसर हो गया ऑप्शन थ्री टेन ठीक है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि फोर का फोर का आंसर हुआ ऑप्शन थ्री टेन सो तो इस तरह से भी आंसर एग्जाम में लिखने से हो जाएगा ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव ไบ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হ দা ভ্যালু অফ ওয়াই ইন দা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস অফ দা ফলোইং টেবিল ইজ মিন্স ইয়াহমে জো ব্ল্যাঙ্ক স্পেস দিয়া হুয়া হ ইয়াহ ওয়াই কা ভ্যালু ফাইন্ড করনা হ ঠিক হ ইয়া টেবিল দিয়া হুয়া হ তো ফার্স্ট ইস টেবিল কো দেখে হামে পাতা লাগানা হোগা কি ইয়া টেবিল ডাইরেক্টলি মে হ না ইনভার্সলি মে তো دیکھیে এক্স কা ভ্যালু 1 সে 2 হো গয়া মিন্স এক্স কা ভ্যালু ইনক্রিজ হুয়া ওয়াই কা ভ্যালু 32 সে 16 হো গয়া ডিক্রিস হো গয়া এক্স কা ভ্যালু ইনক্রিজ হো রাহা হ বাট ওয়াই কা ভ্যালু ডিক্রিস হো রাহা হ एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो यह क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यह क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है इट इज केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन यह इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है ठीक है तो जब इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है तो इन्वर्स प्रोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स वन वाई वन इन्वर्स आई से इनवर्स और आई से इंटू फॉर्मूला किस में होता है इंटू में होता है ठीक है इंटू में लर्न किए हैं सो एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू चलिए एक्स वन का वैल्यू है इंटू वाई वन का वैल्यू कितना है थर्टी टू एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू किसको लेंगे जो निकालना है ठीक है जो निकालना है उसको लेंगे एक्स टू वाई टू तो एक्स टू का वैल्यू कितना हो जाएगा एट और वाई टू का वैल्यू यह निकालना है क्वेश्चन में क्या दिया वाई दिया तो वाई ले लेते हैं ठीक है so, सो क्या हो जाएगा थर्टी टू इंटू वन थर्टी टू इक्वल टू एट इंटू वाई एट वाई ठीक है या एट आके डिवाइड हो जाएगा सो थर्टी टू और डिवाइड में एट आ गया इक्वल टू वाई सो एट फोर जाए थर्टी टू सो फोर इक्वल टू वाई दे आर फोर वाई का वैल्यू कितना आ गया फोर वाई का वैल्यू कितना आ गया फोर सो दिस इज आवर आंसर ठीक है ऑप्शन ने दिया था क्वेश्चन में कि ऑप्शन ए होगा एट ना बी सिक्सटीन सॉरी बी सिक्स ना सी फोर ना डी टू तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी फोर ठीक है तो इसके लिख सकते हैं हम लोग कि फाइव का आंसर क्या होगा फाइव का आंसर होगा ऑप्शन सी फोर अगर चूज द करेक्ट आंसर होगा तो इस तरह से आपको चुन के लिखना होगा ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है या 2021 का स्पेशल एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आया था इफ एक्स वैरिज इनवर्सली एज वाई एंड एक्स इक्वल टू वन वैन वाईल टू थर्टी टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वेन एक्स इक्वल टू एट या टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का क्वेश्चन पेपर में आया था इफ एक्स वेरिज डायरेक्टली एज वाई एंड एक्स इक्वल टू सिक्स वैन वाई इक्वल टू थर्टी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वेन एक्स इक्वल टू टू तो चलिए इसे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से देखते हैं और फिर से सोल्व करते हैं देखिये एच एस एल सी एग्जामिनेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन स्पेशल एग्जामिनेशन जो हुआ था जनरल मैथमेटिक्स का उसका क्वेश्चन पेपर है तो देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आया हुआ है इफ एक्स वेरेज इनवर्सली एज वाई एंड एक्स इक्वल टू वन वेन वाईल थर्टी टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वेन एक्स इक्वल टू एट तो चलिए इसे सोल्व करते हैं तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक्स वेरिज इन्वर्सली एज वाई एक्स वेरिज इन्वर्सली बोला है तो क्या हो जाएगा वन बाई वाई एक्स प्रोपोर्शनल टू वन बाई वाई ठीक है तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्सनल होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आई से इन्वर्सली और आई से हम लोग इन टू लर्न किए ना तो इसका फॉर्मूला इन टू में होता है क्या होता है फॉर्मूला एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू यह फॉर्मूला होता है ठीक है और यहाँ क्वेश्चन में क्या कह दिया हो देखिए x1 का वैल्यू दिया हुआ कितना वन पहला जो रहेगा ना वो x1 y1 होगा y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ थर्टी टू एक्स वन वाई वन और फिर बाद में जो मिलेगा उसको बोलेंगे x2 y2 तो x2 का वैल्यू एट है x2 का वैल्यू कितना है एट है और y2 का वैल्यू मीन y फाइंड करना है y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है y ये फाइंड करना है चलिए पुट करते हैं हम लोग तो x1 का वैल्यू वन है और y1 वन का वैल्यू थर्टी टू है इक्वल टू एक्स टू का वैल्यू एट है और y2 टू का वैल्यू क्या लिए हम लोग वाई ले लिए ठीक? So, ठीक है क्वेश्चन में so, y वाई फाइंड करना है सो थर्टी टू इंटू वन थर्टी टू इक्वल टू एट इंटू वाई एट वाई ठीक है यह एट से डिवाइड हो जाएगा सो थर्टी टू डिवाइड एट इक्वल टू वाई अब एट से कैंसिल होगा एट फोर या थर्टी टू आठ चौके बत्तीस सो फोर इक्वल टू वाई ठीक है देयर फोर वाई का वैल्यू कितना आ गया फॉर दिस इज आवर आंसर तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे ठीक है आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा मैं वो कमेंट देखूंगा और उसके अनुसार फिर उस क्वेश्चन को अगेन मैं समझा दूंगा ठीक है तो देख सकते हैं यह 2021 का जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है इसका एग्जाम अभी हुआ है ठीक है मार्च महीने में ठीक है तो देखते हैं इस क्वेश्चन पर में कौन सा क्वेश्चन आया है ठीक है हा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए यहां भी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में आया हुआ है इफ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई एक्स इक्वल टू सिक्स वे एन वाईक्वल थर्टी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वेन एक्स इक्वल टू टू तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चलिए सॉल्व करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या बोल रहे हैं ज डायरेक्टली एज वाई एक्स directly डायरेक्टली एज वाई डायरेक्टली मीन्स वाई एक्स वेरिज डायरेक्टली वाई तो देखिए यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली का फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं डी से डायरेक्टली डी से डिवाइड इसका फॉर्मूला हम लोग डिवाइड में लर्न किए हैं ठीक है थीके? तो क्या था है फॉर्मूला एक्स वन बाई वाई वन इक्वल टू एक्स टू बाई वाई टू ठीक है तो चलिए लेते हैं हम लोग तो क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या दिया है वैल्यू क्वेश्चन में देखिए एक्स वन का वैल्यू दिया है सिक्स एक्स वन का वैल्यू दिया है कितना सिक्स और वाई वन का वैल्यू दिया है थर्टी ओके okay? फिर बाद में फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वाई का वैल्यू निकालना है वेन एक्स इक्वल टू टू तो जो पहला होगा उसको बोलेंगे एक्स वन वाई वन और जो बाद में होगा उसको बोलेंगे एक्स टू वाई टू तो एक्स टू का वैल्यू है टू एक्स टू का वैल्यू है टू है और वाई टू फाइन करना है वाई टू का वैल्यू क्या है वाई है ठीक है वाई हमें फाइन करना है तो चलिए फिल प्रोट कर देते हैं सबका हम लोग तो क्या हो जाएगा हमें फिल करने से एक्स वन का वैल्यू कितना है सिक्स वाई वन का वैल्यू कितना है थर्टी इक्वल टू एक्स टू का वैल्यू है टू और वाई टू का वैल्यू कितना है वाई ठीक है तो चलिए इसे सोल्व करते हैं हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स इंटू वाई सिक्स वाई इक्वल टू थर्टी इंटू टू सिक्सटी अब सिक्स जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल टू सिक्सटी और डिवाइड में आ जाएगा सिक्स तो सिक्स टेन या साठ कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया y का वैल्यू टेन आ गया सो दिस इज आवर आंसर आई होप समझ आया होगा आप लोगों को ठीक है तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिक्स का क्लास टेन का रिवीजन चैप्टर स्टार्ट किया और जो एक्सरसाइज R1 है उस पूरे एक्सरसाइज को हम लोगों ने सोल्व किया और इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज आर वन में से जो जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सोल्व किया तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू